आज हम लोगों को एक ऐसे नाविक के संबंध में पढ़ना है। जब तक विश्व का इतिहास रहेगा तब तक वह नाविक याद किया जाएगा, अर्थात वह नाविक हुआ कोलंबस। कोलंबस का पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था और जन्म 1451 ईस्वी में इटली के जेना नामक स्थान पर हुआ था। लेकिन इसके संबंध में इतिहासकारों, समर्थकों एवं विद्वानों में काफी मतभेद था। कुछ लोगों का मानना था कि कोलंबस का जन्म इटली में हुआ था, कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, कोलंबस का जन्म स्पेन में हुआ था, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, कोलंबस का जन्म पुर्तगाल में हुआ था। इस मत विभिन्नता को लेकर, इस विचारों की भिन्नता को लेकर कोलंबस का डीएनए टेस्ट किया गया। इस डीएनए टेस्ट के आधार पर यह क्लियर हुआ कि कोलंबस का जन्म इटली में हुआ था और इनके पिता अर्थात कोलंबस के पिता जुड़ा थे, नाव चलाने का काम करते थे और कोलंबस होश संभाला तो यह अपने पिता के कामों में भी मदद करने लगा। लेकिन एक पंक्ति है, होनहार वीरवान के हो चिकने पाप, जो होनहार लोग होते हैं या बच्चे होते हैं, होनहार के सारे लक्षण उसके बचपन में ही परिलक्षित होने लगते हैं, अर्थात दृष्टिगोचर होने लगते हैं। तो वह बचपन से ही कोलंबस में होनहार के लक्षण दिखाई पड़ रहे थे, अतः उसकी यह इच्छा थी कि मैं भी इटली से बाहर जाऊं, नए स्थानों को देखूं और नए स्थानों की खोज करूं। अतः इसी दृष्टिकोण से कोलंबस ने 3 अगस्त 1492 ईस्वी को पालोस बंदरगाह से तीन नावों में अनेक साथियों के साथ खाद्य पदार्थों को लेकर वह प्रस्थान किया और 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में वह अमेरिका पहुंचा। कहां पहुंचा? वह अमेरिका पहुंचा। और लेकिन वह शुरू में जब वहां पहुंचा तो कोलंबस ने उसे पूर्वी एशिया समझ लिया था। क्या समझ लिया था? पूर्वी एशिया समझ लिया था। पूर्वी एशिया समझने की वजह से यहां के लोगों को कोलंबस ने इंडियोस कहा। क्या कहा? इंडियोस कहा। इंडियोस कहा या अर्थात कहा जाए कि उन्होंने इंडियन कहा। क्या कहा? इंडियन का। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद यह क्लियर हो गया कि वह पूर्वी एशिया नहीं था बल्कि वह तो अमेरिका था। क्या था? अमेरिका था। तो कुछ ऐसे इसमें प्रश्न है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपसे पहले तो यह प्रश्न होगा कि कोलंबस का पूरा नाम क्या था, तो हम लिखेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस। फिर आपसे पूछेगा उसका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म के बारे में लिखेंगे, पूछेगा तो इटली लिखेंगे। अगर सन के बारे में पूछे तो 1451 लिखेंगे। अगर आपसे यह पूछा कि किस बंदरगाह से प्रस्थान किया था तो पालोस बंदरगाह से प्रस्थान किया था। लेकिन सब जितने भी कोलंबस के जीवन से संबंधित प्रश्न है, सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वह है अमेरिका की खोज। आपसे पूछेगा अमेरिका की खोज किसने की, तो लिखेंगे कोलंबस ने। फिर पूछेगा कोलंबस ने किसकी खोज की, तो लिखेंगे अमेरिका की खोज की। ये दोनों में बड़ा ही गहरा संबंध है,
जहां कोलंबस है वहां अमेरिका की खोज है, जहां अमेरिका की खोज है वहां कोलंबस है। अमेरिका की खोज के बारे में तो आपको यह डेट याद रखने की जरूरत है कि 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। यह क्वेश्चन बड़ा ही भेवी है। यह जो अगर कोलंबस के जीवन से संबंधित प्रश्न है तो सबसे अगर ज्यादा कोई कीमती प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, तो वह अमेरिका की खोज किसने की, कब की, यही है। आपको पूरा नाम के बारे में जानना है, देश के बारे में जानना है, कब हुआ ही जानना है, कब पारूस बंदरगाह से कब प्रस्थान किया, अमेरिका की खोज उसने कब की, और 1506 ईस्वी में बाय डोरिट में कोलंबस की मृत्यु हुई। जय हिंद।